दोस्तों, हमारा शरीर किसी हाईटेक मशीन से कम नहीं है। हमारे शरीर में सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। भगवान ने हमारे शरीर में कई अंगों को फिट करके अमूल्य शरीर हमें दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आंखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। हम आंखों के जरिए ही हमारी खूबसूरत और रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। इन्हीं के जरिए हम हमारे परिजनों को देख पाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम पढ़ सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से आप आज ये वीडियो भी देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारी आंखें इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि इसमें एक बाल भी चला जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। पर आपने कभी सोचा कि हमारे आंखों के माध्यम से इतना क्लियर हम कैसे देख पाते हैं? हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल की है? नहीं ना? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल की है। दोस्तों, आपको बता दें कि आंखों से प्रेरणा लेकर ही कैमरे का आविष्कार हुआ। जब हम कैमरा या मोबाइल लेने के लिए दुकान पर जाते हैं तो सबसे पहले हम कैमरा ही चेक करते हैं। कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, कैमरे से कैसा व्यू दिख रहा है, पिक्चर ठीक आ रही है या नहीं, ऑब्जेक्ट ब्लर हो रहा है या नहीं, वगैरह वगैरह। पर हमारी आंखें तो कमाल की है, इसके जैसा व्यू तो कोई और दे ही नहीं सकता, चाहे कैमरा कितना भी महंगा क्यों ना हो। दोस्तों, आप जब भी कैमरा लेने या मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो 10 बार आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि हमारी आंखें भी तो कुदरती कैमरा ही हैं। यह कितने मेगापिक्सल की है, ये कभी नहीं सोचा होगा। तो आज हम आपको बताते हैं। आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है, तो उसकी आकृति हमारे रेटिना पर बनती है और रेटिना पर बनने वाली आकृति आंखों द्वारा मस्तिष्क को भेज दी जाती है, जिससे हम देख पाते हैं। इसी बात को समझते हुए इंजीनियरों ने कैमरा बनाया। कैमरे की बात की जाए तो यह भी आंख की तरह ही काम करता है। इसमें रेटिना की जगह लेंस काम करता है। हमें कैमरे के बारे में तो पता होता है कि कैमरा कितना मेगापिक्सल का है, पर अगर आंखों की बात की जाए तो हमारी आंखें कितने मेगापिक्सल कैमरे के समान है, जो किसी भी पिक्चर को अच्छी क्वालिटी में दिखाती है। वैज्ञानिकों द्वारा एक शोध में पाया गया कि एक साधारण मनुष्य की आंख में 24,000 × 24,000 पिक्सल्स होते हैं, जो किसी कैमरे के हिसाब से 576 मेगापिक्सल के समान होते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो दोनों आंखें मिलाकर चारों तरफ के दृश्यों की आकृति को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, जो 576 मेगापिक्सल के बराबर होती है। दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि मनुष्य की आंखें कितने मेगापिक्सल के बराबर होती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में अपनी आंखों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।